ओके, तो शाओमी ने कुछ दिन पहले अपने Redmi Note 10s, Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max यूजर्स के लिए एक नया स्टेबल अपडेट पुश की MIUI 12.5.9.0। ये कोई एनहेंस वर्जन का अपडेट नहीं है, ये एक नॉर्मली अपडेट है जिसमें आप लोगों को कुछ फीचर्स और कुछ बग्स फिक्सेस देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी अपडेट के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ये एक कॉम्प्लीट रिव्यू वीडियो होगा कि अपडेट करने के बाद मेरे पास में यहाँ पे Redmi Note 10s है तो इस डिवाइस में क्या कुछ चेंजेस, क्या कुछ फिक्सेस देखने को मिला और इसी के साथ साथ Redmi Note 10 Pro, Pro Max के अंदर क्या कुछ नया फीचर्स और बग्स फिक्सेस देखने को मिला है। तो सबसे पहले ये अपडेट Redmi Note 10s यूजर्स को देखने को मिला। 97 MB अपडेट का साइज, सितंबर 2021 का सिक्योरिटी पैच लेवल। और अगर आप लोग व्हाट्स न्यू पे जाते हो तो यहाँ पे आप लोगों को दो ही चीज मेंशन देखने को मिलता है, ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। ये सिर्फ यहाँ पे Redmi Note 10s की बात नहीं है, ये Redmi Note 10 Pro, Pro Max तीनों में यही चेंज लॉग हमें देखने को मिलता है। अगर मैं अभी बात करूँ Redmi Note 10 Pro, Pro Max के बारे में तो यहाँ पे जो अपडेट का साइज था 763 MB के आसपास और यहाँ पे हमें अक्टूबर 2021 का नया सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिला। तो अपडेट का वर्जन सेम है, चेंज लॉग सेम है, लेकिन इतना भेदभाव क्यों, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि इस अपडेट के साथ हमें क्या कुछ नया फीचर्स देखने को मिला है। तो कुछ भी नहीं, क्योंकि इस अपडेट के साथ हमें एज एच कोई भी नया फीचर तीनों डिवाइसेस के लिए नहीं देखने को मिला है। और बग फिक्सेस की बात करूं तो पहले Redmi Note 10s के बारे में बात करते हैं। और इस स्मार्टफोन को मैंने कुछ टाइम पहले बाय किया था सेल में और उसके बाद मैंने देखा कि इसके अंदर मुझे मेजर हीटिंग इशू देखने को मिला। अगर आप लोग गेम खेलते हो या फिर हैवी टास्क करते हो तो इस टाइम पे तो फ़ोन ऑब्वियस सी बात है हीट वगैरह होगा, लेकिन अगर मैं इस स्मार्टफोन से हॉटस्पॉट ऑन करके अपने दूसरे किसी डिवाइस को कनेक्ट करके रखता तो एक घंटे के अंदर अंदर ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा था। तो उम्मीद था कि अगले अपडेट में शायद इस चीज़ को फिक्स किया जाएगा, तो जी हाँ ऐसा ही हुआ। ये जो नया अपडेट आया है इस अपडेट के अंदर ये जो प्रॉब्लम है यानी कि हीटिंग इशू जो कि है इसे फिक्स किया गया है। और ऐसा नहीं कि मैंने एक आध घंटा हॉटस्पॉट ऑन करके रखा था, मैंने पूरी रात हॉटस्पॉट ऑन करके अपने इंटरनेट को भी चलाया तो उस टाइम पे भी कोई भी हीटिंग वगैरह नहीं हुआ। अभी आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर्दी का मौसम है ये आम बात है, लेकिन नहीं, जब मैंने पूरी रात चलाई तो थोड़ा सा भी तो हीट वगैरह होता या फिर गर्म महसूस होता, लेकिन ऐसा कोई भी इस तरीके का चीज़ नहीं हुआ। इसके बाद मैंने इसके अंदर कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं पबजी को इंस्टॉल किया और पबजी भी खेल के देखा और लंबे समय तक मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी की तो यहाँ पे मैंने कोई भी हीटिंग इशू वगैरह नोटिस नहीं की। तो जो हीटिंग इशू था उसे फिक्स किया गया है Redmi Note 10s यूज़र्स के लिए। और एक और जो कि प्रॉब्लम मैंने देखा था कि फ्रंट कैमरा में अगर आप लोग फोटोज़ वगैरह लेते हो तो थोड़ा सा ब्लरी सा आता है, हालांकि ये कैमरा एक तरफ से परफेक्ट है लेकिन फ्रंट कैमरा इसका एकदम बेकार सा है। तो इस बार इस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं किया गया है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर हीटिंग इशू फिक्स होता है तो हीट की वजह से बैटरी काफ़ी जल्द ड्रेन होता, तो वो भी यहाँ पे कम देखने को मिला। अब Redmi Note 10 Pro, Pro Max के बारे में बात करते हैं तो इन दो स्मार्टफोन्स के लिए भी इस अपडेट के साथ हमें कोई भी नया फीचर्स नहीं देखने को मिला। हाँ, इस अपडेट के बाद एक सिक्योरिटी एप्लीकेशन का अपडेट आया। तो अगर आप सिक्योरिटी एप्लीकेशन को अपडेट करते हो तो वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ऐड किया गया है बैटरी के अंदर, स्पेशली बैलेंस, परफॉर्मेंस और पावर सेविंग। ये तीन ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा और ये फीचर इंस्पायर है विंडोज़ की लैपटॉप से, क्योंकि सेम फीचर्स विंडोज़ की लैपटॉप में हम पहले काफ़ी टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। अभी आपके मन में एक और सवाल उठा होगा कि एक सिक्योरिटी का अगर अपडेट आता है और अगर उस अपडेट को मैं अपने Redmi Note 10s में यूज़ करता हूँ तो क्या ये फीचर आएगा। तो जी नहीं,
मैंने सिक्योरिटी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सेम वर्जन का अपडेट करके भी देखा, तो वो फीचर मुझे यहाँ पे नहीं देखने को मिला। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा कि 763 MB अपडेट का साइज़ है, तो ऐसा नहीं कि वो फीचर है, वो फीचर एक्चुअल में काम भी करता है Redmi Note 10 Pro Pro Max यूज़र्स के लिए। और सपोज़ अगर सिक्योरिटी एप्लीकेशन को अपडेट करके Redmi Note 10 S में वो फीचर अगर आपका आ भी गया सपोज़, लेकिन फिर भी वो फीचर काम उस तरह से नहीं करेगा जिस तरह से अल्ट्रा बैटरी सेवर जब नहीं आया था। हम लोग APK को डाउनलोड करके सिक्योरिटी एप्लीकेशन का नया APK वर्जन को अपडेट करके वो फीचर का आनंद उठा सकते थे, लेकिन काफ़ी टाइम पहले मैंने आप लोगों को कह दिया था कि ये अभी ऑप्टिमाइज नहीं है, ये फीचर आपको दिखेगा लेकिन ये काम नहीं करेगा जब तक ऑफिशियली अपडेट इसका नहीं आता है। तो चाहे अगर आपके पास कोई भी डिवाइस हो, अगर सपोज आप नया सिक्योरिटी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये फीचर अगर आपके फ़ोन में देख भी किया, तब भी उतना परफेक्टली ये काम नहीं करेगा जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है। और इन सब के अलावा यहाँ पे एक सिस्टम लॉन्चर का अपडेट भी आया था, और यहाँ पे अगर मैं अपडेट हिस्ट्री पे जाऊँ तो यहाँ पे इस अपडेट को करने के बाद काफ़ी सारे जो एप्लीकेशंस के अंदर एनिमेशंस था उसे रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है, जैसे कि सेटिंग्स अगर मैं बाहर आता हूँ तो वो जो एनिमेशन था वो आप देखोगे कि नहीं है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे सिक्योरिटी में जाऊँ तो सिक्योरिटी में भी यहाँ पे नहीं है। तो काफ़ी सारे एप्लीकेशंस के अंदर जो एनिमेशंस था उसे हटा दिया गया है इस अपडेट के बाद, लेकिन प्रो प्रो मैक्स के अंदर ये चीज़ अभी भी है क्योंकि उसी के साथ वो ऑप्टिमाइज होगा। और फिक्सेस की बात करूँ तो Redmi Note 10 Pro Pro Max यूजर्स के लिए भी ऐसे छोटे मोटे काफ़ी सारे बग्स प्रॉब्लम्स वगैरह था जो कि इस अपडेट के अंदर फिक्स यहाँ पे किया गया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर स्टिल आप लोगों के मन में कुछ और डाउट्स है इस अपडेट को लेके तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आगे देखने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।